इनफैक्ट महात्मा विदुर अपने गुरु से यानी कि मैत्रेय से जिनसे वे वार्तालाप कर रहे हैं काफी समय से, भागवत में हम देख रहे हैं इनकी चर्चा हो रही है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन लोगों की तपस्या अत्य अल्प है वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं जो वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। तो ये लोग जो है ये कौन है, इनके विषय में भी विदुर जी एक दो श्लोक पहले भी कह रहे हैं, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे ताकि इसको हम अच्छी तरह से समझ सके। हम जाएंगे श्लोक 17 या फिर 16 से ही शुरू कर सकते हैं। तो विदुर जी कह रहे हैं हे विद्वान महर्षि मैत्रेय जी से, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम है जैसे कि उन्हें होना चाहिए। बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहां से शुरू करते हैं विदुर जी कि कौन लोग विक्षोभ में है। तो यहां से शुरू कर रहे हैं विदुर जी कि बद्ध जीव जो है वो विक्षोभों का आधार विक्षोभ से का अनुभूति करते हैं, और उसका आधार क्या है, इन विक्षोभों का आधार है भगवान की बहिरंगा शक्ति जिन्हें हम माया के रूप से भी जानते हैं। फिर दोबारा अगले श्लोक में विदुर जी कहते हैं, निकृष्टतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख का भोग करते हैं, यानी कि दोनों सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए यहाँ पर। तो यानी कि जो एकदम मूर्ख है, तो यहाँ पर तीन कैटेगरी बताया गया है, तीन विभाग विदुर जी कहते हैं, जो एकदम मूर्ख है यानी कि निकृष्टतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे, यानी कि जिन्होंने योग सिद्धि में अव्वल नंबर प्राप्त कर लिया है, अभी कुछ इनके लिए जानना आवश्यक नहीं है, यानी कि दो कैटेगरी, एक योग सिद्धि प्राप्त कर लिया है। अब जब जिसने योग सिद्धि प्राप्त कर लिया है वो शरीर के इन इंद्रियों के से जो हमें विक्षोभ प्राप्त होते हैं उसके परे है, यानी कि उन्हें अब शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, वो ब्रह्मभूत में है, यानी कि वो आत्मा एवं अध्यात्म स्तर पर है, उनका भगवान के साथ संपर्क हो चुका है और वो समाधि में है, यानी कि वे अभी इस शरीर के जो पीड़ाएं हैं उनसे मुक्त है। ऐसे लोग एक एक कैटेगरी में, उदाहरण के लिए अच्छी तरह से समझने के लिए जैसे कर्दम मुनि है, जैसे कर्दम मुनि हम जानते हैं कि कर्दम मुनि सदैव समाधि में रहते थे, सदैव भगवान के संपर्क में रहते थे, उनके विषय में विलीन रहते थे। तो ब्रह्मा जी के आदेश से मनु ने अपनी पुत्री देवहूति को कर्दम मुनि के लिए कन्यादान किया, यानी कि उन्हें उनसे विवाह करवाया। वे जानते थे कि कर्दम मुनि को इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, इस प्रकार के जीवन से यानी कि विवाह जीवन या फिर ऐसा कोई इच्छाएं भी उनके भीतर नहीं है, फिर भी ब्रह्मा का आदेश था तो उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान, देवहूति का कन्यादान कर्दम मुनि को उन्हें दान दिया, यानी कि विवाह करने के लिए दिया। तो उस प्रकार जब कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह हुआ, देवहूति भी यह अच्छी तरह जानती थी कि ये सदैव समाधि में रहते हैं, इनके भीतर ऐसी कोई इच्छा जागृत नहीं होगी, लेकिन देवहूति स्त्री है और घर गृहस्थी के जो इच्छाएं हैं ये वास्तविक है स्त्री में। तो इस प्रकार जब वे विवाहित होकर देवहूति कर्दम मुनि के पास गई, काफी समय तक कर्दम मुनि जो है अपने समाधि से बाहर आए ही नहीं, यानी कि उन्होंने अपने पति होने का कोई कर्तव्य अभी तक निभाया ही नहीं, भले ही देवहूति अपना पत्नी होने का सारा कर्तव्य दिन रात निभा रही थी। तो इस प्रकार काफी समय के बाद, तो आप सोच सकते हैं जो योग यहाँ पर जिन योगियों की बात हो रही है उन्हें कुछ लेना देना है ही नहीं इन भौतिक संसार के विषयों से। तो इस प्रकार
काफी समय बाद जब देवहूति ने देखा कि उसकी इच्छा उससे कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उन्होंने कर्दम मुनि के सामने प्रस्ताव रखा, वाक्यों से भी नहीं रखा, उन्होंने मन में ऐसा सोचा। कर्दम मुनि अंतर्यामी है, तो उन्हें सारी सिद्धियां प्राप्त है, तो समझ गए कि देवहूति की इच्छा क्या है। इस प्रकार कर्दम मुनि ने अपने पति का धर्म निभाया और देवहूति के साथ संपर्क किया, और उस प्रकार सिद्धि, जो योग सिद्धि में जो व्यक्ति होते हैं, देखिए इनकी सिद्धि कितनी सफल है कि जब कर्दम मुनि ने देवहूति के साथ संपर्क किया तो भगवान स्वयं उनके पुत्र बनकर उत्पन्न हुए। तो ये सिद्धि, ऐसे योगियों की बात यहाँ पर हो रही है। साधारण जो शून्य से विभूति निकालते हैं या फिर जो कुछ समय के लिए तपस्या करते हैं, उन योगियों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये इस स्तर के जो योग्य हैं उन्हें शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए वे सुख का भोग करते हैं। क्योंकि जो तपस्या जो है वो किन के लिए, यहाँ विदुर जी बात समझ रहे हैं, मैत्रेय, अपने गुरु मैत्रेय के आधार पर विदुर जी ये समझ गए हैं, तपस्या केवल उन लोगों के लिए है जो शरीर में बद्ध जीव है। बद्ध जीव, इससे पहले वाले श्लोक के बाद, जो शरीर बद्ध किससे बंधे हुए हैं, शरीर से बंधे हुए हैं। तो जो शरीर से मुक्त है, उस स्तर से मुक्त है, जो ब्रह्म भूत है, जो ना शोष्यति ना कांक्षति है, उनके लिए सुखी है, यानी कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जो नीचे के स्तर में है, बीच में ये लोग है बद्ध जीव, जो नीचे अत्यंत मूर्ख है, अत्यंत मूर्ख यानी कि जो अज्ञानी है, जो अज्ञानी है, जिन्हें आत्मा के विषय में कुछ नहीं पता, एक जो योगी है जिन्हें शरीर के विषय में कुछ नहीं लेना देना है, और बीच में है जो बद्ध जीव है, तीसरे जो कैटेगरी है विभाग है, जिन्हें आत्मा के विषय में कुछ नहीं पता है, वो केवल शरीर में ही लगे हुए हैं, यानी कि शरीर के सुख संतृप्ति में विलीन है। ऐसा नहीं है कि वो लोग सुख का भोग करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है मूर्खतावश कि वो सदैव सुख का भोग कर रहे हैं, भले ही वो भौतिक संताप से जूझ रहे हैं सदा समय, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो सुख का भोग कर रहे हैं, क्योंकि वे अज्ञानी हैं। उदाहरण के लिए, इसको और समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि कोई कमरा है, एक कमरा है और वो बंद है वो कमरा, और उस कमरे के अंदर तीन लोग, एक है योगी जो सदा समाधि में, एक आप और हमारे जैसे व्यक्ति है, एक अंधा है, एक अंधा है, ठीक है। अब इस कमरे के अंदर किसी ने काला सर्प छोड़ दिया, सांप, किंग कोबरा छोड़ दिया। अब इसमें किंग कोबरा छोड़ दिया इस कमरे में, कमरा बंद है चारों तरफ, इसमें सबसे ज्यादा अधिक तकलीफ या फिर जो जो ताप में आएगा या फिर जो विचलित हो जाएगा, कौन रहेगा, कौन विचलित हो जाएगा? प्रभु जी, कैन वी डू एन इंटरैक्टिव सेक्शन सेशन, इज इट ऑल राइट इफ यू कैन नॉमिनेट समबडी टू स्पीक? श्योर ओके, तो अभी एक योगी है, एक अंधा व्यक्ति है और एक व्यक्ति है जो देख सकता है, इसमें सबसे ज्यादा विचलित कौन होगा, कोई बता सकता है? जो देख सकता है वही विचलित होगा प्रभु जी। बिल्कुल, जो देख सकता है वही विचलित होगा। क्यों? क्योंकि योगी तो समाधि में है, वह शरीर के आभास से दूर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सर्प डसता है नहीं डसता है, उसे कोई फर्क नहीं, तो सर्प वहां पर है। और जो अंधा है, जो अंधा जो बैठा है, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो देख ही नहीं पा रहा है सर्प है कि नहीं। तो विचलित वही होगा जो देख सकता है, मतलब जो बीच का है। तो उसी प्रकार यहाँ विदुर जी जो कह रहे, तपस्या केवल उन्हीं लोगों के लिए जो देख सकते हैं, जो बद्ध जीव है, जो तपस्या जो है उन्हीं लोगों के लिए। उसमें भी अगर कोई अल्प तपस्या करे, यानी कि इंटरेस्टेड नहीं हो, तो उसकी क्या गति होगी? यानी कि वो व्यक्ति जो देख सकता है सर्प के साथ जो कमरे में बंद है, अगर वो दरवाजे के बाहर भागने की कोशिश नहीं कर रहा है बचकर, उसकी क्या गति होगी? वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो जानता है मैं हूं यहाँ पर, ये योगी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अंधा है, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख पा रहा हूं मेरे सामने सर्प खड़ा, फिर भी मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, इसको अल्प तपस्या करते कहते हैं। मैं उस दरवाजे की तरह बाहर भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं इस भौतिक संसार के बाहर वैकुंठ के मार्ग पर जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, वो उसे अल्प तपस्या कहते हैं।
तो उस अल्प तपस्या की ही बात यहाँ पर विदुर जी 20वें जो श्लोक है इसमें कर रहे हैं। और ये तपस्या कैसे कर सकते हैं वो भी यहाँ पर अगले श्लोक में बताया गया है। यहाँ पर विदुर जी कहते हैं, किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं। कृतज्ञ क्यों है विदुर जी यहाँ पर? क्योंकि अब मैं समझ सकता हूं कि यह भौतिक जगत सार रहित है, यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। वास्तव में वह सर्प के डसने से हमें कोई वास्तविक हानि नहीं पहुंचने वाले, क्योंकि ये शरीर जो है नश्वर ही है, या आज नहीं तो कल जाएगा। लेकिन क्योंकि हम इस शरीर से इतने अत्यधिक आकर्षित है और प्रभावित है, इसलिए हमें लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, और इस भय के साथ हम इस भौतिक जगत में निवास करते हैं। तो विदुर जी कह रहे हैं, यह भय का इस भय को कैसे दूर कर सकते हैं? इस भय को हम दूर कर सकते हैं अगर हम महात्माओं की शरण लेंगे, अगर हम गुरु की शरण लेंगे। तो गुरु जो है हमें बताएंगे कि वो दरवाजा कहाँ है और वहां से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर मैं आपकी चरण चरणों में आऊंगा तो मैं इस भौतिक संताप से दूर, मैं मुक्त हो सकता हूँ, ऐसा विदुर जी यहाँ पर कह रहे हैं। फिर विदुर जी कह रहे हैं, गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है, जो मधु असुर के कूटस्थ शत्रु है और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। मधु असुर यानी कि जो भय भय को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस भय से हम मुक्त हो सकता है अगर हम गुरु के महात्माओं के चरणों की सेवा करेंगे। महात्माओं के या गुरु के चरणों की सेवा करने से हमें क्या प्राप्त होगा? हमें भगवान के प्रति सेवा यानी कि प्रीति यानी कि प्रेम प्राप्त हो। ये जो भगवान का प्रेम है इस भय से ऊपर है, यानी कि उस जैसे हम भगवान की सेवा करेंगे जो प्रेम का अनुभव हमें होगा वो हमें इस भय से मुक्ति प्रदान करेगी। यानी कि हम पहले तो सबसे पहले भौतिक जगत में ऐसे क्लेशों के बीच में घिरे हुए हैं, अगर हम गुरु का शरण लेते हैं, गुरु हमें भगवान की प्रीति प्रदान करेंगे, और इस प्रकार जब हम भगवान की प्रीति भगवान के प्रेम तक पहुंचेंगे फिर हम उसे उस सर्प से हम बच सकते हैं। उस सर्प से बच कर उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता हमें साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है तपस्या। तो तपस्या बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है, लेकिन जिन लोगों की तपस्या अल्प है उन्हें क्या होगा? यानी कि जो ये सब जानकर भी, तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि हम जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम जानते हैं कि आत्मा भी है, आत्मा का जो स्थान है वो सत्य है, आत्मा सत्य है और ये शरीर असत्य है, ये सब हम जानते हैं। अगर हम अंधे होते, जो अगर हम अज्ञानी होते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हम जानते हैं। और अगर हम योगी होते तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जो अज्ञानी है वो सदा जघन्य वृत्तिस्थ यानी कि ऐसे कामों में लगे रहते हैं जैसे जानवरों के समान। उनके क्या कार्य होते हैं? उनके कार्य होते हैं आहार, निद्य, निद्र, भय और मैथुन। इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसी में वो सदा समय नियुक्त रहते हैं, इसलिए उन्हें कोई इस विषय में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने आहार की विधि को अच्छा करूंगा, अच्छा अच्छा मुझे खाने को मिलेगा, अच्छा सोने को मिलेगा, अच्छा मैथुन करने को मिलेगा, तो मैं सुखी रहूंगा। इससे यानी कि वो तीसरे गुण से प्रभावित है प्रकृति के। झगन्य काम इसलिए करते हैं, गुण वृत्ति स्तर तमो यानी कि वो तमोगुण से प्रभावित है, इसलिए वो नरक के द्वार की ओर भागते हैं। इसीलिए वे व्यक्ति जब कोई कार्य करते हैं वे एक प्रकार से जैसे किसी व्यक्ति को एनेस्थीसिया दिया जाए, फिर उसके शरीर में डॉक्टर कुछ भी काटे वो शरीर को पता ही नहीं चलता है, मतलब वो मंद है, उसका बुद्धि अभी मंद है, उसे समझ में नहीं आ रहा है
वो क्या कर रहा है, माया के प्रभाव से वो सोच रहा है कि वो सुखी है। तो ऐसे व्यक्तियों का हम कुछ कर नहीं सकते, वो जानवरों के समान ही हैं। उन्हें श्रीमद् भागवतम में जानवरों के साथ कंपेयर भी किया हुआ है, जैसे कि सएव घोकर भी कहते हैं, दूसरी जगह कहा गया है कि स्विद वराह उष्ट्र खरेह, यानी कि उन्हें स्व यानी कि जो कुत्ते होते हैं उनके साथ, विद वराह यानी कि जो जो वराह यानी कि जो सुअर होते हैं, उष्ट्र खरे है यानी कि ऊंट, खरे है यानी कि गधा, यानी कि ऐसे जानवर जो है सदा समय उनकी खुशी जो है केवल आहार निद्र भय और मैथुन में ही है। तो जो व्यक्ति ऐसा प्रभाव ऐसे इससे प्रभावित है वे भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। जैसे आप देखेंगे अगर किसी कसाई खाने में आप जाएंगे तो एक बकरी वहां कट रहा है, उसका गला काट रहा है कसाई, उसका गला काट रहा है, बहुत अधिक पेन में है, बहुत अधिक दुख हो रहा है, उसे रो रहा है, दर्द हो रहा है, खून बह रहा है, फिर भी कसाई बड़े आराम से हंसते हंसते उसका गला काट रहा है, जबकि बाद पास में ही खड़े होकर दूसरा बकरी क्या कर रहा है, घास खा रहा है, घास खा, उसे ये नहीं पता ये घास में पूरा जब खत्म करूंगा अगली बारी मेरी, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इस प्रकार के लोगों की बात यहाँ पे हो रहा है, यानी कि अत्यधिक मूर्ख जो है उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि दुनिया में जगत में क्या हो रहा है। वे बड़े अपने आप को एडवांस्ड साइंटिस्ट और डॉक्टर समझता है समझ रहे हैं ये माया के प्रभाव से, ये सब जो है इनके भी गुरु होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं चार्वाक मुनि, वो उनका कहना है कि ऋणम कृत्वा घृतम प्रीबेत यावत जीवित सुखम जीवित, इस प्रकार आप ऋण लेकर दूसरों का छीन कर दूसरों का माल अपनी जेब में डालकर इस प्रकार आप सुखी रहिए, क्योंकि भस्म भूतस्य देहस्य पुनः पुनरागमनो भवेत, जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा इसके बाद हमें क्या करना है, तो जितना चाहिए लूट लीजिए, इसके बाद कोई वापस आता है क्या, इस प्रकार उनकी प्रवृत्ति रहती है। तो इन लोगों से हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरे जगत में इन लोगों का ही जो बोलबाला है सबसे अधिक है। और योगीगण, अभी कलयुग है इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे तात्पर्य में बताया ऐसे लोग बहुत ही कम है, होंगे तो भी महात्मा गण बहुत कम होंगे, लेकिन अगर आपकी तपस्या अल्प है आप इन लोगों से कभी मिल नहीं पाए, इन लोगों से कभी मिल नहीं पाए। अगर हमारी तपस्या बहुत कठोर है, यानी कि हम वास्तव में इस वैकुंठ के मार्ग उस दरवाजे से बाहर निकलना चाहते हैं, तो भगवान की कृपा से हम इन लोगों से इन लोगों के संपर्क में आएंगे, इन महात्माओं के संपर्क में आएंगे। तो यही यहाँ पर कहा गया, जब आप तपस्या करेंगे आप तीन लोगों के संपर्क में आएंगे, सबसे पहले आप आएंगे भक्तों के संपर्क में या फिर महात्माओं के संपर्क में, साधुओं के संपर्क में आएंगे, दूसरे आप आएंगे अज्ञानियों के संपर्क में आएंगे, अज्ञान, तीसरा आएगा आप दुश्मनों के यानी कि आपसे जो ईर्ष्या करते हैं ऐसे लोगों से संपर्क में आएंगे। ये तीन लोग पहले भी थे आपके जीवन में लेकिन आप इनको समझ नहीं पा रहे थे, जैसे आप तपस्या करेंगे इन तीनों को आप कृत्य रूप से देख सकते हैं, एक साधुओं को आप पहचान पाएंगे, दूसरा अज्ञानियों को आप पहचान पाएंगे, तीसरा आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे दुश्मन बन गए हैं, और ये दुश्मन हो सकता है आपके घर में ही हो जो ईर्ष्या करते हैं, जब जैसे आप तपस्या करेंगे ये लोग आपके विपरीत हो जाएंगे। जैसे कि प्रहलाद महाराज, जैसे प्रहलाद महाराज के घर उनके उनके पिताजी स्वयं उनके इतने बड़े दुश्मन हो गए थे कि वे उनका प्राण हरण कर लेना चाहते थे, उनका प्राण हर कर लेना चाहते थे। यानी कि आप तपस्या करेंगे तो ये सब होगा, और इस सब को हमें टॉलरेंस टॉलरेंस यानी कि आपको इसको तितिक्ष्व करना पड़ेगा, ताम्स तितिक्ष्व भारत, इसको सहन करना, इस सहनशीलता, यह सहनशीलता आपके भीतर होनी चाहिए, जैसे प्रहलाद के अंदर जो सहनशीलता है, तो यह सहनशीलता जो है हमें महात्मा के चरणों की सेवा से प्राप्त होगी, क्योंकि महात्मा हमें वह शक्ति प्राप्त करेंगे। तो यह बात जो यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं ये उन महात्माओं की है जो वैकुंठ के मार्ग पर जो स्थित है, ऑलरेडी स्थित है, तो उनके कुछ गुण होते हैं उनसे आप उन्हें पहचान सकते हैं। ये गुण काफी जगह पर भागवतम में और भगवद गीता में बताया गया है कि
क्या महा जैसे भगवद गीता, महात्मानस्तु तो माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, जो महात्मा होते हैं वो सदैव मेरे दैवी प्रकृति के आश्रय में होते हैं, ना कि भौतिक प्रकृति के, यानी कि भगवान के अंतरंगा शक्ति के आश्रय में होते हैं, इसीलिए वे सदैव बिना विचलित हुए, माया से ना प्रभावित हुए, आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। दूसरी जगह बताया गया श्रीमद् भागवत में इन महात्माओं के जो सिम्टम्स है, जो किस किस प्रकार से आप इनको पहचान सकते हैं, तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणम। ये जो साधु होते हैं उनके कुछ क्वालिटीज है, इसको अगर हम याद रखेंगे तो हम पहचान पाएंगे, और जैसे हम उन्हें देख, क्योंकि हम तपस्या करेंगे हम इन लोगों के संपर्क में आएंगे, वरना ये लोग अगर हमारे आसपास से गुजर भी रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि हम तपस्या करेंगे हमें, हम इन लोगों को देख पाएंगे। तो हम जब तपस्या करेंगे हम देख पाएंगे कि ये जो लोग है बहुत टॉलरेंट है, तितिक्ष्व, और बहुत करुणा भरी होती है इनमें, और ये जो है समस्त सभी जीवों को अपने एक समान से देखते हैं, एक समान से यानी कि सुहृदम, सब सबसे वो मित्रता में रहते हैं। जैसे कि गोस्वामी जो है, गोस्वामियों के अष्टकम में आप देख सकते हैं, धीर अधीर जनप्रिय, वे सबके प्रिय होते हैं, तक सबके प्रिय होते हैं, उनमें बड़ी करुणा होती है, उन्हें बड़े उनमें टॉलरेंस होती है, तितिक्ष्वा होती है, अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं होता है, उनका कोई शत्रु नहीं होता, और शांत यानी कि वे सदैव अपने इंद्रियों को, क्रोध को, काम को, इत्यादि को सदैव वे कंट्रोल में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को क्रोध नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि ये लोग, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो लोग सोचेंगे ये यानी कि इसका एडवांटेज लेंगे, लेकिन ये लोग को क्रोध आएगा, इनके शत्रु वही लोग होते हैं जो भगवत भगवान के खिलाफ जब कोई कुछ कहता है, जैसे अर्जुन, अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के भूमि पर थे, रणभूमि पर थे, तो पहले आप देखेंगे कि पहले अध्याय में अर्जुन कह रहे नहीं मैं इनको नहीं मार सकता, क्योंकि अर्जुन साधु है, अर्जुन नहीं चाहता कि वो, क्योंकि अर्जुन वार करेगा, अर्जुन को पता है कि अर्जुन धनुर्विद्या में अव्वल है, तो अर्जुन वार करेगा तो सामने वाले की मृत्यु हो जाएगी, अर्जुन को इससे बहुत दुख होता है, लेकिन जब भगवान के आज्ञा का पालन करना होता है तब करना ही पड़ेगा, तो ऐसे समय ही क्रोध का प्रयोग करते हैं ये लोग, वरना ये लोग शांत अजात शत्रु सुहृदम, सभी देहों सभी जीवों के सुहृद होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मनुष्यों के सुहृद है और गायों और बकरियों को कसाई खाने भेज दो, ऐसे नहीं, वो साधु नहीं है, वो साधु नहीं, जो सभी जीवों के मित्र है। फिर साधवा साधुभूषणम, साधवा बहुत अत्यधिक अत्यंत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, साधवा यानी कि जो शास्त्र के आधार पर ही बात करता है, जो शास्त्र के आधार पर ही अपना व्याख्यान करता है वह साधु है। तो ये सब अगर क्वालिटीज, जो शास्त्र के बाहर कुछ बोलता नहीं है, ये सब क्वालिटीज अगर हमें पता हो तो हमें महात्माओं को पहचानने में, साधुओं को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से अगर हम तपस्या करेंगे तो हमें, जैसे विदुर जी यहाँ कह रहे हैं, शुद्ध भक्तों की सेवा प्राप्त होगी, नहीं तो उनकी सेवा प्राप्त नहीं होगी, और ये शुद्ध भक्त सदैव वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। शुद्ध भक्त शत प्रतिशत उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता है। तो भगवान यहाँ पर दोनों है, जैसे आप देखते हैं भगवद गीता में बताया गया है, इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग हैं, एक है देवता और एक है जैसे कि हम जैसे मनुष्य, तो देवताओं के और मनुष्यों के बीच में जो जो गिव एंड टेक जो है भौतिक जगत में वही है, यानी कि इनके बीच में जो एक्सचेंज है, और भगवान भगवद गीता में कहते हैं आप भी सुखी रह सकते हैं और देवता भी सुखी रहते हैं रह सकते हैं अगर मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करेंगे। तो दोनों के ही स्वामी हैं, देवता भी यज्ञ करते हैं हम भी, एक दोनों के स्वामी कौन है, वो जनार्दन कहते हैं उन्हें, जना देव देवो जनार्दना, इन सभी के स्वामी जो है वो एकमात्र श्री कृष्ण है। शुद्ध भक्त शत प्रतिशत उन श्री कृष्ण की महिमा के गायन में लगे रहते हैं। तो जैसे कि प्रहलाद महाराज जैसे मैं कह रहा था, ये बात जो है जो विदुर जी यहाँ पर कह रहे हैं,
कि श्रीमद् भागवत में लगभग हर जगह इसी को बताया गया है। दो चीजें हमें सदैव याद रखना है, साधु संग करना है और भगवान की चरणों की सेवा। साधु संग से ही भगवान की चरणों की सेवा हमें प्राप्त होगी। इसलिए शुरुआत तपस्या की होती है साधु संघ से। जैसे आप साधुओं के संग में जाएंगे, आपको तपस्या करने का प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे कि प्रहलाद महाराज स्वयं इस बात को कहते हैं, जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को शंड और अमरक के विद्यालय में भेजते हैं और फिर वो वापस लौटते हैं, हिरण्यकश्यपु बड़े प्रेम से अपने पुत्र को अपने घर में बुलाकर अपने गोद में बिठाते हैं और उनसे पूछते हैं, पुत्र तुम इतने समय से विद्यालय में थे, आई मिस यू सो मच, मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या सीखा है। इस प्रकार बड़े गर्वित होकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा। तो हिरण्यकश्यपु को अभी लगा कि क्योंकि शंड और अमरक तो यही बोले थे कि हिरण्यकश्यपु भगवान है, सबको उनकी सेवा करनी चाहिए सब। तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा, मेरा पुत्र के मुख से भी ये मैं सुन लेता हूँ, बाकी सभी से मैं सुन रहा हूँ ये बात बार बार, तो अभी मैं अपने पुत्र से सुन लूंगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। इस प्रकार तो प्रहलाद महाराज ने शुरू किया मतेर न कृष्णे, मतलब शुरू शुरुआत ही किया कृष्ण के नाम से। मतेर न कृष्णे परतस्वतवा मितव्यपद्ये गृह भृता नाम अडांत गोबिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वितम चर्वनाना। प्रहलाद महाराज ने उन्हें 3 श्लोकों में इस पूरा जीवन का सार, भागवतम का सार बता दिया। तो सबसे पहले प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जिनकी मति कृष्ण पर स्थित नहीं होती है, अपने प्रयत्न से एवं महात्माओं की प्रयत्न से या फिर दूसरों के प्रयत्न से, जिनकी मति ऐसे स्थित नहीं हो रही है, वो क्यों स्थित नहीं हो रही है? क्योंकि अडांत गोबिर, सदैव इंद्रिय तृप्ति के विषय में ये विलीन रहते हैं। ग्रह भृता नाम, इसलिए इस ग्रह में बंधे रहते हैं। पुनः पुनः चर्वितम चर्वनानम, और इस ग्रह में बंध कर वो क्या कर रहे हैं? कोई बड़ी चीज नहीं कर रहे, वही आहार निद्र भय मैथुन को बार बार कर रहे हैं अलग अलग शरीर में। जैसे कोई व्यक्ति कोई जल अलग अलग पात्रों में पीने की कोशिश कर रहा है, जैसे पहले उसे लग रहा है कि मैं मिट्टी के घड़े में जल पीऊंगा तो उसका स्वाद अलग रहेगा, तो फिर मैं अगर आ, आ, सिल्वर के गढ़े में पीऊंगा तो उसका स्वाद शायद पानी का काम कुछ अलग हो जाएगा, या फिर स्वर्ण के पात्र में मैं जल पीऊंगा तो शायद वो कुछ और काम करेगा, ऐसा लग रहा है। तो यानी कि हम शरीर बदल रहे हैं, पानी का स्वाद वही है और पानी वही कार्य करता है प्यास बुझाने का, और कोई कार्य नहीं करता, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है माया के प्रभाव से। पुनः पुनः चर्वितम चर्वनानाम, चबाए को हम बार बार चबा रहे हैं, जैसे कि गन्ने तो अगर हम 50 बार चबा लेंगे उसमें कोई रस नहीं रह जाएगा, फिर भी हम चबा के देख रहे हैं कि इसमें से कुछ निकल जाए। यहाँ पर इस भौतिक जगत में भले ही किसी भी प्रकार के शरीर में हो, किसी भी घड़े में आप पानी पी लीजिए, उसका काम यही है आहार निद्र भय मैथुनम, इसके अलावा वो कुछ जानता नहीं। ये पहले सबसे पहले प्रहलाद महाराज ने कहा कहा कि जिनकी मति कृष्ण पे स्थित नहीं होती है, वो केवल पिताजी यही काम करते हैं पूरा समय और कुछ वो कर नहीं पाते हैं। नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशयाय बहिरर्थमायिनां अंधा यथांधेर उपनीयमानस ते पीश तंत्राय उरुदामनी बद्धा। और जो लोग ये भूल चुके हैं कि जीवन का लक्ष्य लेकिन वो नहीं है बल्कि अपने स्वार्थ को भूल कर, नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु, जो यहाँ पर बताया वैकुंठ की ओर जाना है, विष्णु लोक की ओर जाना है, और कोई गति है ही नहीं मनुष्य जीवन का पिताजी, ये सब लोग भूल गए हैं। क्यों, कैसे भूल गए हैं? दुराशयाएं, उनके भीतर दुराशाएं हैं, यानी कि वो माया का आस्वादन करना चाहते हैं, इस भौतिक जगत में जो माया प्रदान कर रही है उन विषयों का आस्वादन करना चाहते। दुराशया है बहिरर्थ मानी ना, माया के प्रभाव से है वो। अंधा यथांधेर, वो तो स्वयं अंधी है। अंधा यथांधेर उपनीय तंत्र, अंध उपनीय पीश तंत्र, ईश तंत्र, ईश तंत्र से वो बद्ध है, उरुदामनी बद्ध, वो स्वयं बद्ध है। और ये उन्होंने कहाँ से सीखा है? किसी दूसरे अंधे से सीखा है। अंधा यतांधेर, यानी कि जैसे कि आप देखते हैं अगर सारे मूर्खों की सभा हो वो एक मूर्ख को राजा बना देते हैं, सारे अंधों की सभा है वो एक अंधा अंधे को राजा बनाते हैं। जैसे वोट, आजकल जो डेमोक्रेसी जो बोलते हैं वो इसका प्रमाण है, किसी एक मूर्ख को हम राजा बना देते हैं और जब वो मूर्ख जब शासन करता है चारों तरफ कोलाहल होता है, कोलाहल होता है, यानी कि लोग संताप का, बड़े कलयुग में ऐसा ही होगा, ये सारे भागवत में लिखा गया है पूरा। इस प्रकार से लोग इस प्रकार संताप का अनुभव करेंगे। फिर
अंत में प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैषां मतिस्तावद उरुक्रमाग्रिम स्पर्शति अनर्थ आपगमो यद अर्थ महीयशाम पादरजो अभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत यावत। यानी कि नैषां, जिनकी मति, नैषां मतिस्तावद उरुक्रमाग्रिम, भगवान के चरणों में, भगवान की क्रम, उरुक्रमांग भगवान की, भगवान का नाम है उरुक्रमांग्रिम, यानी कि भगवान के चरणों की सेवा, वही यहाँ पर विदुर जी बता रहे। नैषम, जिनकी मति उसमें नहीं लगती है, स्पर्शति अनर्थ, वो सदैव अनर्थ से जूझे रहते। अनर्थ यानी कि वही चार चीजें जो हम बता चुके हैं, आहार निद्र भय मैथुन, इनसे वो सदैव जूझते रहते हैं। स्पर्शति अनर्थ आपगमो यद अर्थ, जीवन का और कोई अर्थ उन्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो लोग मही यशाम पादरजो अभिषेकम, जो भगवान के भक्तों के, भगवान की भी नहीं, भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके चरणों की धूल को अपने माथे पर लगा लेते, निष्किंचना नाम नवृणी, वो इस सभी जो दुराशय है, जो सभी क्लेश है, उनसे मुक्त हो सकते हैं पिताजी, इसलिए आप भी ऐसा कर लीजिए। तो जैसे ही ये प्रहलाद महाराज ने कहा, उनके प्रिय पिताजी जो उनसे इतना स्नेह करते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्हें जमीन पर लेकर पटक दिया। 5 वर्ष के आयु के थे, छोटा सा बालक था प्रहलाद, तो इसीलिए मैं कह रहा था आप इन लोगों का सामना करना ही पड़ेगा। ये शायद आपके घर पे भी हो सकते हैं। 3 लोग आपको दिखेंगे, एक जो आप इन लोगों के साथ सामने आएंगे, एक जो है जो भक्त है और जो सदैव महात्मा है, दूसरे जो है अज्ञानी है, और तीसरे इन पर इस प्रकार के दुश्मन। जैसे प्रहलाद महाराज स्वयं महात्माओं के संपर्क, यानी कि नारद मुनि के संपर्क में आए, फिर अपने जो अज्ञानी मित्र हैं उनके लिए वो क्लास लेते थे, और तीसरा जो है अपने जो पिताजी जो स्वयं उनके घर में जो उनकी ईर्ष्या करते हैं उनके संपर्क में आएंगे। जो ये जो है बात, अगर हम समझ गए कि कैसे हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकते, क्लेशों से मुक्त हो सकते, यहाँ विदुर जी बात कर रहे क्लेशों से मुक्त होने का, यही एकमात्र मार्ग है, वो है तपस्या। उसमें कोई अल्पता मत नहीं करना है हमें, उसमें हमें बहुत सीरियस होना है। अगर सीरियस नहीं है तो याद रखिए उस कमरे को जिसमें सर्प है, तो हम क्या होगा हमारा, हम बहुत ही अधिक, हमारा बीपी इतना हाई हो जाएगा कि हम सर्प से पहले, जैसे अक्सर जो सर्प को देखकर, सर्प के डसने से पहले सर्प के भय से ही मर जाते हैं लोग, तो इस प्रकार हमारी मृत्यु होगी, हमारा जो मनुष्य जीवन है वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए इस सर्प से बचकर उस दरवाजे से बाहर निकलने का ही हमें प्रयत्न करना है, और वो हमें केवल साधुओं से, महात्माओं से प्राप्त हो सकते हैं, उनके चरणों की सेवा से प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई इस विषय में अगर कोई प्रश्न हो तो मुझसे